आज 20 अक्टूबर को स्मरण करेंगे गो रक्षक डॉक्टर राशिद अली जी के बलिदान को। गाय का भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान है। सभी भारतीय मत पंथ इसे पूज्य मानते हैं। इस्लाम में भी गो हत्या या गो मांस खाने का आदेश नहीं है, पर हिंदुओं को अपमानित करने के लिए मुस्लिम शासकों द्वारा चलाई कुप्रथा आज भी जारी है। इस बारे में कानून भी स्पष्ट और कठोर नहीं है, लेकिन अनेक समझदार और देशभक्त मुसलमान गाय को हितकारी पशु मानकर उसकी सेवा व रक्षा का प्रयत्न करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रयास से ऐसे मुसलमानों को भी संगठित करने का प्रयास किया गया है। इसके लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच तथा माई हिंदुस्तान जैसे संगठन सक्रिय हैं। डॉक्टर राशिद अली मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सक्रिय कार्यकर्ता थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला के नगला झंडा गाँव में एक पठान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम हजीफुर रहमान था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। चिकित्सा का प्रशिक्षण प्राप्त कर वे अपने गांव में ही चिकित्सा कार्य करने लगे। डॉक्टर राशिद अली के मन में संपूर्ण मानव मात्र के लिए प्रेम और करुणा की भावना थी। अतः मांसाहारी परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने शाकाहार को अपनाया। उनका मत था कि हिंदू और मुसलमानों की एकता से ही भारत की उन्नति होगी और इसके लिए गो हत्या बंद होनी बहुत आवश्यक है। गो प्रेमी होने के कारण उन्होंने इससे संबंधित कानूनों का अध्ययन किया, जिससे उन्हें पता लगा कि एक ट्रक में 6 से अधिक गायों को नहीं ले जाया जा सकता, पर पशुओं के व्यापारी एक साथ 20-25 गायों को ठूंस कर काटने के लिए उन्हें पशु मंडी में ले जाते थे। पुलिस और प्रशासन भी घूस खाकर अपनी आंखें बंद कर लेता। इससे उनका मन बहुत दुखी होता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की जनसंख्या बहुत अधिक है। उसकी सीमाएं भी हरियाणा से लगती हैं। सहारनपुर जिले में ही कई ऐसे गाँव हैं जहाँ खुलेआम गोहत्या होती थी। मुसलमान वोटों के लालच में राजनेता भी इस ओर ध्यान नहीं देते थे। ऐसे में डॉक्टर राशिद अली ने इसके विरुद्ध कमर कस ली तथा 1998 में अपना चिकित्सालय बंद कर पूरा समय गोरक्षा को समर्पित कर दिया। जब भी उन्हें यह सूचना मिलती कि गायों को हत्या के लिए ले जाया जा रहा है, वे अपनी मोटरसाइकिल लेकर निकल पड़ते। इस प्रकार उन्होंने हजारों गोवंश की प्राण रक्षा की। पर यह काम इतना सरल न था। एक ओर तो कट्टरपंथी मुल्ला और दूसरी ओर गो हत्यारे उनके पीछे पड़ गए। उन्हें धमकियां मिलने लगी, पर उन्होंने अपने संकल्प से पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। वर्ष 2002 में घर जाते समय कुछ लोगों ने उन्हें घेर कर चाकुओं से हमला कर दिया। पेट में गहरे घाव होने से वे बेहोश हो गए, पर गो माता के आशीर्वाद तथा समय पर सहायता मिलने से वे शीघ्र ही स्वस्थ हो गए। कुछ दिन बाद हुए एक समारोह में उन्होंने कहा कि ये घाव तो कुछ भी नहीं है, गो माता की रक्षा के लिए यदि मुझे प्राण भी देने पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। 20 अक्टूबर 2003 को उन्हें दूरभाष से किसी ने सूचना दी कि ग्राम खुजनापुर में कहीं से एक ट्रक भरकर गाय लाई गई है, जिन्हें अगले दिन काटा जाएगा। यह सुनते ही उन्होंने अपने भाई आसिफ अली को मोटरसाइकिल पर बिठाया और वहां पहुंचकर सभी 25 गायों को छुड़ा लिया। पर इससे गो हत्यारे बहुत नाराज हो गए। जब डॉक्टर राशिद घर वापस जा रहे थे तो 4 लोगों ने उनका पीछा किया और अपने गांव नगला झंडा पहुंचने से कुछ पहले ही उनके सीने में गोली दाग दी। गोली लगते ही वे गिर गए। जब तक लोग सहायता के लिए आए, तब तक उनके प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार एक मुसलमान गोरक्षक ने अपने संकल्प को पूरा करते हुए प्राणों की आहुति दे दी। भारत माता की जय।